बेटर एक्सपीरियंस। दूसरी ओर थॉमसी को दूध पिलाने के बाद व्योम उसे लेके कमरे में टहल रहा था। वही व्योम एक शैतान राजकुमारी की कहानी पढ़ रहा था। थॉमसी अपने नन्हे हाथ व्योम की ब्रेड पर फिरा के खिलखिला के हंसने लगी। व्योम जो कहानी सुना रहा था उसमें राजकुमारी अपने देविल बाप से बिछड़ जाती है और जीन के पास जाती है। वहाँ वो उनको खूब परेशान करती है और वो सबको इतना तंग करती है कि वो लोग थक कर उसे देविल को सौंप देते हैं। जीस पर थॉमसी और खिलखिला के हंस रही थी, जिसे देख व्योम की आंखें छोटी हो गई थी। व्योम उसकी हंसी देख उसे घूर के बोला, इसे अपने बाप के पास भेज दे, ये उसी के लायक है। हमारी ब्यूटीफुल की एक भी आदत इसमें नहीं है, सारी बुरी आदत उसके बाप की मिली है। अव्योम व्योम की बात सुन थॉमसी के फूले हुए गालों को सहला के बोला, सच में व्योम तू यही चाहता है कि हम इसे उसके बाप के पास भेज दे, तू इसके बिना रह पाएगा, भूल मत हम दोनों की जान बसने लगी है इसमें, इस शैतान के बिना हम दोनों को सुकून नहीं मिलता, जब तक इसे गोद में लेके प्यार नहीं करते हमें अजीब सी बेचैनी होती है। उस धमाके में अगर सबसे ज्यादा किसी ने दर्द सहा है तो ये है इस मासूम ने, जन्म लेने से पहले अपनी माँ और बाप दोनों खो दिए। माँ जिदा होके भी इसके पास नहीं है, जिसे अपने बच्चे के होने का एहसास तक नहीं है, और दूसरा बाप जो जिंदा तो है लेकिन एक लाश की तरह। अगर दोनों में से इसका बाप भी ठीक होता तो मैं खुद इसे उसके बाप के पास भेज देता। हमें पता है बिना माँ बाप के पलना कैसा होता है, हमें पता है बिना माँ के आंचल के सोना कैसा होता है, बिना बाप के साए में पलना कैसा होता है। अगर बाप का हाथ सर पर ना हो तो एक कदम भी चलना कितना मुश्किल भरा होता है। हमारे पास तो फिर भी बाप के साए के रूप में बड़ा भाई था, लेकिन इसके पास कौन है। अगर हमने इसे वहां भेजा भी तो क्या पता इसे उसके बाप का प्यार मिलेगा या भी नहीं। कभी वो उठेगा या नहीं उठेगा तो क्या वो मानेगा कि ये उसकी बेटी है। और तू भूल मत उस धमाके का कारण समय मल्होत्रा की मौत थी। अगर उसके दुश्मनों को पता चल गया कि उसका अंश भी इस दुनिया में आ चुका है तो वो इसे मारने की कोशिश करेगी। तू क्या यही चाहता है कि ये दर के साए में जिए और अपने बाप को बेजान लाश जैसा देखे। व्योम की बात सुन व्योम खड़ा होके थॉमसी को उसकी गोद से लेके अपने सिने से लगा के बोला, कभी नहीं ये हमसे दूर कहीं नहीं जाएगी, ये हमारी बेटी है, इस पर सिर्फ हमारा हक है, ये एवी ब्रदर्स की बेटी है, मैं अपनी शैतान को किसी को नहीं दूंगा, फिर चाहे उसका देविल बाप ठीक भी क्यों ना हो जाए, ये फिर भी हमारी बेटी रहेगी इसमें, भले ही हमारा खून नहीं है लेकिन इसे पाला है हमने, हमने भले ही इसकी माँ को बहन माना है लेकिन इसके जन्म के बाद से इसे अपनी बेटी कहा है, मैं अपनी शैतान को किसी को नहीं दूंगा, मामा नहीं बाप है हम उसके। अव्योम मुस्कुरा के बोला, सही कहा, ये हमारी शैतान है, फिर चाहे ये हमें कितनी ही रात क्यों ना सोने दे, हम इसे खुद से दूर कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं, ये एवी की जान है। व्योम ने थॉमसी को सिने से निकाल उसके सर को प्यार से चुम के कहा। व्योम थॉमसी को गोद में लेके बेड पर लेट गया और कहानी सुनाने लगा। थॉमसी व्योम के सिने पर लग कब सो गई खुद व्योम को भी पता नहीं चला, क्योंकि व्योम भी उसे कहानी सुनाते हुए सो गया था। अव्योम दोनों को सोता देख दोनों के सर पर प्यार से हाथ फेर दोनों को ब्लेनकेट से कवर कर कमरे से निकल गया। अगले दिन अमेरिका समय कोमा से बाहर आ चुका था, उसकी आंखें रात को ही खुली हुई थी। कमरे में दो डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे, वही पास में अंजलि जीगा का हाथ पकड़ खड़ी हुई थी। वो एकटक समय के चेहरे को देख रही थी, जिस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। समय रात से अब तक एक भी वर्ड नहीं बोला था, जब से उसे होश आया था उसने बटरफ्लाई के अलावा कुछ नहीं बोला। एक डॉक्टर जो उन दोनों में से सीनियर था उसने समय की आंखें चेक कर समय से पूछा, सो मिस्टर मल्होत्रा अब आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, आपको याद है आपके साथ क्या हुआ था। समय ने डॉक्टर की बात पर कोई जवाब नहीं दिया, उसकी नजर सामने की ओर थी। डॉक्टर को समय की ओर से कोई जवाब ना मिलता देख उनको लगा समय ने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए उसने फिर से पूछा, मिस्टर मल्होत्रा आप मेरी बात सुन सकते हो, आपको याद है आपके साथ क्या हुआ था, आप कहाँ थे और अभी आप कहा हो, और ये कौन सा साल है।
समय ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। वो ऐसे ही एकटक दरवाजे की ओर देखता रहा। दोनों डॉक्टर समय की चुप्पी देख जीगा को देखने लगे। अंजलि समय को देख अपने भरे गले से बोली, भाई आप ठीक हो क्या? आप भाभी को देखना चाहते हो लेकिन वो यहाँ नहीं है। भाई हम सिर्फ आपको बचा पाए थे। जब तक हम वापिस उसे बचाने गए तो कोई उसे पहले ही बचा के ले जा चुका था। जीगर ने उस पर आगे कहा, हाँ सर अंजलि सही कह रही है, हमने जब आपको देखा तो आपकी हालत बहुत खराब थी। अगर हम पहले आपको नहीं बचाते तो आपको कुछ भी हो सकता था, इसलिए हमने पहले आपको बचाया। समय दोनों की बात सुन नजरे घुमा के उनको एक नजर देख फिर उनसे नजरे फेर के डॉक्टर को देख कोल्ड वॉइस में बोला, आपका काम हो चुका है, अब आप यहाँ से जा सकते हो। मुझे जरूरत होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। डॉक्टर समय के कहने पर अपना सर हिला के वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद समय ने जीगा की ओर देख बिना इमोशन के कहा, अपना फोन दो। जीगा ने भी बिना देर किए तुरंत जेब से फोन निकाल समय के हाथ में दे दिया। समय ने इस बीच एक बार भी अंजलि की ओर नहीं देखा ना ही उसे कुछ कहा। समय धीरे से बेड पर बैठ गया। अभी अभी कोमा से बाहर आने की वजह से उसके शरीर में थोड़ी वीकनेस थी। उसने एक नंबर मिला के अपना सर बेड पर पीछे टिका के ऊपर सिलीप को देखते हुए बोला, कहा हूँ। दूसरी ओर से एक रिंग में फोन पिक हो गया और धीमी सी आवाज आई विला के बाहर। समय ने बिना इमोशन के कहा, अंदर आओ, और बिना सामने वाले की बात सुने फोन काट दिया। समय अपनी आंखें बंद कर फोन हाथ में गोल गोल घुमाने लगा। वही साइड में खड़ी अंजलि समय को देख उसके सिने से लग जाना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि वो उसकी बहन है लेकिन समय का ओरा देख उसके कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। अंजलि की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। जिसे जिगर देखकर भी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय समय के कुछ बोलने का वेट किए। थोड़ी देर में एक आदमी ब्लैक हुडी पहन के अंदर आया। आदमी के आधे चेहरे पर मास्क था और सर के ऊपर हुडी, आंखों पर गोगल्स थे। आदमी को देख जीगा अंजलि हैरान थे। जीगा आदमी को देख हैरानी से बोला, तुम कौन हो और बिना मेरी परमिशन के अंदर कैसे आए? आदमी जीगा की आवाज सुन एक नजर उसे देख फिर उसे पूरी तरह इग्नोर कर बिस्तर पर बैठे समय को देख उसके पास जाके उसके पैर को छुके बोला, आप ठीक हो गए मास्टर? समय ने उस पर कुछ नहीं कहा, ऐसे ही आंखें बंद किए हुए बोला, वो कहा है? आदमी समय का सवाल सुन थोड़ा परेशान हो गया। वो अपना सर झुका के घुटनों पर बैठ गया और समय के आगे हाथ जोड़ के बोला, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं उनको बचा नहीं पाया उस वक्त। आदमी की बात पूरी होती उसे पहले समय आंखें खोल आदमी को देखने लगा। समय की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। जिसे देख आदमी के साथ जिगर अंजलि भी डर गए। समय ने इस बार तेज आवाज में बोला, तुझे मैंने ये नहीं पूछा कि तूने उसे बचाया क्यों नहीं, मैंने पूछा वो कहा है? आदमी समय की आवाज सुन बुरी तरह घबरा गया। उसने ऐसे ही सर झुका हुए बोला, मास्टर वो बैंकॉक में है और बिल्कुल सेफ है, हमारे आदमी उन पर नजर रखे हुए है। आदमी की इतनी ही बात सुन समय सर वापिस बेड पर रख के बिना भाव के बोला, बैंकॉक जाने की तैयारी करो। आदमी अपना सर हिला के थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहा। समय ने ऐसे ही आंखें बंद किए हुए कहा, जो कहना चाहते हो कहो और जाओ यहाँ से। आदमी खड़ा होके अपने पीछे से टैब निकाल के समय के आगे रखते हुए बोला, बोस इसमें आपके लिए कुछ ऐसा है जिसे देखना आपके लिए जरूरी है। समय बिना उस चीज को देखे बिना भाव के बोला, मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, जितना कहा उतना करो। आदमी ने कहा, सॉरी मास्टर लेकिन ये बात आपके और मैडम के अंश से जुड़ी है, इसलिए इसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है कि आप डेड बन चुके हैं और आपको 8 महीने की बेटी है। इसमें उनके जन्म से लेके अभी तक की सारी फोटोज है और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैडम की भी है। आदमी इतना कहकर वहां से चला गया। समय के कान में आदमी के कहे शब्द गूंजने लगे। उसकी आंखें तुरंत खुल गई। पास खड़े अंजलि जीगा भी समय की बेटी वाली बात सुन सोकत थे। सबसे ज्यादा सोकत खुद समय था। समय के चेहरे के एक्सप्रेशन एक पल में बदल गए।
समय साइड से टैब उठा के अपने कैपते हाथों से उसे ऑन किया। टैब की वॉल पर एक छोटी सी बच्ची की फोटो थी जो तामसी की थी। टैब में तामसी के जन्म से लेके अभी तक की सारी फोटो थी। समय अपनी बेटी को देख उसकी आंखों में नमी उतर आई। इस वक्त वो अंदर से क्या महसूस कर रहा था वो बता नहीं सकता था। अंजलि को भी अपने भाई की बेटी को देखने का मन किया, इसलिए वो दो कदम समय के करीब आके टैब में देखने लगी। समय तामसी की छोटी छोटी आंखें, छोटे हाथ पैर जुम करके उसे छू रहा था जैसे उसकी बेटी उसकी गोद में हो। उस टैब में एक दो वीडियो क्लिप भी थी जिसे प्ले कर उसमें से तामसी की हंसने आवाज आने लगी। वीडियो में तामसी को जब व्योम बात दे रहा था तो तामसी छोटे बात टब में अपने हाथ पैर चला के पानी व्योम की ओर उछाल रही थी जिसे व्योम उसे धीरे से दांत रहा था, लेकिन तामसी पर उसकी दांत का कोई असर नहीं हो रहा था। रूमानी एके अनसुनी पहेली आज के एपिसोड का एक सिन हयाती सॉन्ग सुन रुआसी आवाज में बोली, क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। अव्योम म्यूजिक पहुँच कर हयाती के जबरे को कसके पकड़ के कहा, पूछ रही हो क्या बिगाड़ा है तुमने मेरा स्वीट हार्ट। तो सुनो, तुमने अव्योम रावत पर आवाज ऊंची की जिसके आगे लोगों की नजरें नहीं उठती, उस पर सबके सामने हाथ उठाया। हयाती दर्द से तड़पते हुए बोली, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। अव्योम की पकड़ उसके मुंह पर और कस गई जिसे हयाती की दर्द भरी आह निकल गई। फिर भी अव्योम ने पकड़ ढीली नहीं की। व्योम के दांतने की आवाज सुन समय की आंखों शद हो गई और ओरा डाक होने लगा। अंजलि समय को फिर से गुस्से में आते देख दो कदम पीछे हो गई। वीडियो में अभी भी तामसी के हंसने की आवाज आ रही थी। तामसी व्योम पर अभी भी पानी उछाल रही थी तब वहां व्योम भी आ गया। अव्योम व्योम की हालत देख मुस्कुरा के बोला, शुरू हो गया तुम दोनों का। व्योम तामसी को घूरते हुए बोला, इस शैतान ने मुझे फिर से गीला कर दिया। तो तुझे किसने कहा था पहले तैयार होने को, तुझे पता तो है ये लड़की हमें परेशान किए बिना तैयार नहीं होती, तो तुझे बाद में तैयार होना था, अव्योम ने कहा और तामसी के बाद टब में बेबी बबल्स की दो बूंद डाली। तामसी के बाद टब में बबल्स आने लगे जिसे देख तामसी और खुशी से चिखने लगी। उसकी चिखे वीडियो में से समय देख मुस्कुरा रहा था। उसका गुस्सा अपनी बेटी की मुस्कुराहट देख एक पल में चला गया। अव्योम भी तामसी के पास घुटनों पर बैठ गया। व्योम उसे खुश देख मुस्कुरा दिया। फिर दोनों ने एक साथ कहा, हमारी शैतान राजकुमारी। जैसे ही दोनों ने यह कहा दूसरी ओर समय का गुस्सा जो चला गया था वो सातवें आसमान पर पहुंच गया। समय गुस्से में टैब को कसके पकड़ के कहा, नो सी इस माई नोट योरस, वो मेरी बेटी है समय मल्होत्रा की, मेरी शहजादी है, आ रहा हूँ अपनी बटरफ्लाई और अपनी शहजादी को लेने। समय फिर से अपनी आंखें बंद कर सबको उसे अकेला छोड़ने को कहा। बैंकॉक में अव्योम व्योम तापसी और तामसी को लेके अपने ऑफिस आ गए। तापसी अभी भी बिल्कुल खामोश थी और उसका हाथ व्योम के हाथों में है। तामसी अव्योम की गोद में है और उसकी टाई को बार बार अपने मुंह में भर के सक कर रही है। ऑफिस के एम्प्लॉय तापसी को देख हैरान थे। जिस तरह से उनके दो बोस थे उन सबको लगता था वो लोग सिंगल फादर है। उनको हमेशा यही लगता था कि तामसी अव्योम व्योम में से किसी एक की बेटी होगी और एक अभी भी सिंगल होगा, लेकिन तापसी का चेहरा देख वो सब हैरान थे। वो कभी तापसी को देखते कभी तामसी को देखते जिसका चेहरा काफी हद तक तापसी से मिलता जुलता था। तापसी की ही तरह तामसी का चेहरा भी गोल था, उसकी तरह तामसी के गाल भी चबी थे। जैसे तामसी की सारी क्यूटनेस उसने उसकी मम्मा यानी तापसी से मिली है। अव्योम सबकी नजरें तापसी पर देख कोल्ड वॉइस में बोला, अगर तुम सबने दो सेकंड और इसे देखा तो अगली बार कुछ देखने लायक नहीं बचोगे। जैसे ही अव्योम की खतरनाक आवाज उनके कानों पर गई सबने एक सेकंड में नजरें झुकोली। व्योम अपनी सरसरी नजर पूरे ऑफिस में घुमा के बिना कुछ बोले तापसी को लेके अपनी पर्सनल लिफ्ट की ओर चला गया। व्योम के पीछे अव्योम भी सबको वार्निंग देके तमासी को लेके चला गया। वही दूसरी ओर मुंबई में वरुण को समय के जिंदा होने की खबर अब तक लग चुकी थी। वरुण को जैसे ही ये खबर मिली उसने अपना सारा काम छोड़
राहुल विरन को इसके बारे में बता के अमेरिका के लिए निकल गया। समय के जिंदा होने की बात आग की तरह अंदरवर्ल्ड में फैल गई। सबने जैसे ही ये सुना कि उनका किंग जिंदा है तो आधे से ज्यादा लोग खुश हुए, लेकिन कुछ लोग ये सुन गुस्से में भी थे। समय का लौटना सबके लिए खतरे की दस्तक जैसा था। शेरा ने ही समय के जिंदा होने की बात फैलाई थी ताकि समय के बिजनेस में जो 1.5 साल से नुकसान हो रहा है वो ठीक हो सके। समय के बिना उसका बिजनेस लॉस्ट में चल रहा था। शेरा चोरी छुपके खुद से जीतना बन सकता था, उतना उसने संभालने की कोशिश की, लेकिन समय के बिना इन 1.5 साल में एक भी मीटिंग नहीं हुई थी, ना ही कोई डील हुई थी। सारे शेयर होल्डर समय के बिना अपने शेयर वापिस ले रहे थे। इसे समय के बिजनेस के शेयर काफी कम कीमत पर पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही शेरा ने समय के जिंदा होने की खबर दी, कंपनी के शेयर एक बार फिर टॉप पर पहुंच गए। जहां से लॉस्ट हो रहा था वो सही होने लगा। कंपनी एक बार फिर टॉप नंबरों पर आने लगी। वरुण राहुल समय के जिंदा होने पर इतना खुश थे कि दोनों इस वक्त बॉक्सर में प्लेन में थे। दोनों ने पूरे कपड़े भी नहीं पहने और अमेरिका के लिए निकल गए। वही वीरन दोनों को देख अपना सर पकड़ लिया और घुर के बोला, कम से कम कपड़े तो पूरे पहन के आते। इस पर वरुण बोला, अबे तुझे कपड़े की पड़ी है, यहाँ हम समय को देखने के लिए पागल हो रहे हैं, तुझे क्या पता हम दोनों पर इस वक्त क्या बीत रही है। राहुल खिड़की से बाहर बादलों को देखते हुए बोला, क्या मेरी बहन भी जिंदा होगी। वरुण उसका सवाल सुन एक्साइटेड होके बोला, होगी क्या, वो जिंदा है। अगर हमारा समय जिंदा है तो उसकी बटरफ्लाई भी जिंदा होगी। वीरन को काफी बेचैनी हो रही थी। फ्लाई टेक ऑफ होने के बाद उसकी बेचैनी बती जा रही थी। उसका दिल किसी चीज के लिए घबरा रहा था। जैसे कुछ तो होने वाला है, लेकिन क्या उसे खुद पता नहीं है। वो समय के जिंदा होने की बात सुन खुश था, लेकिन वो दिखा नहीं पा रहा था समय के तापसी के जिंदा होने की न्यूज सुन। जितनी खुशी राहुल वरुण को थी उतनी ही उसे भी थी। वरुण अपने सोट को थोड़ा सही करते हुए पैर पर पैर चरा के कहता है, यार राहुल क्या हम उसे इस हालत में मिलेंगे। देख तो मुझे, मैं अभी सिर्फ एक हाफ स्लीव टीशर्ट और सोट में हूँ। अगर उसने हमें ऐसे देख पहचानने से मना कर दिया तो, अगर उसने हमें भिखारी समझ लिया तो, और अगर उसने हमें धक्के देके निकाल दिया तो क्या करेंगे। उसकी बात सुन राहुल अपनी चंपल जो वो घर में पहनता है उसे निकाल के उसकी ओर फेंक कर खींचकर बोला, ये सब तब सोचना था जब तू मुझे ऐसी हालत में खींच के लेके निकला था। ये जो हमारी हालत है वो सब तेरे कारण हुआ है बेवकूफ। हम यहाँ सोट में सिर्फ तेरी वजह से है। मैंने तुझे कितना बोला था, 2 मिनट रुक जा, हम कपड़े पहन लेते है, लेकिन नहीं, तुझे तो इतनी आग लगी थी कि तूने एक बार भी अपनी और साथ मेरी हालत नहीं देखी। यार ये तो अच्छा है, एयरपोर्ट पर मुझे ऊपर पहनने के लिए केविन ने अपना जैकेट दे दिया, वरना तेरे चक्र में मुझे यहाँ से वहां तक सिर्फ सूट में जाना पड़ता। दरअसल बात ये थी कि जब वरुण राहुल के कमरे में उसे समय के बारे में बताने और उसे लेने गया था, तब राहुल हाफ सोट में सो रहा था। वरुण एक्साइटमेंट में बिना सोचे समझे उसे उठा के उसी हालत में खींच के लेके आ गया। ये तो केविन था जो आज टेस्ट पर जैकेट पहन के आया था, वरना वरुण की मेहरबानी से राहुल को सिर्फ सोट में ही मुंबई से अमेरिका जाना पड़ता। वरुण की हालत राहुल से फिर भी थोड़ी सही थी। उसने सोट पर टेस्ट पहनी थी, लेकिन राहुल ने सिर्फ सोट पहन कर ही एयरपोर्ट आया था। ये तो अच्छा है, केविन ने उसकी मदद की। वही केविन अविरन के साथ बैठा हुआ राहुल वरुण की नोकझोंक देख मुस्कुरा रहा था। केविन ने दोनों के चेहरे पर काफी वक्त बाद ये स्माइल, ये खटखी मीठी नोकझोंक देखी है। जब से वो हादसा हुआ था तब से वरुण राहुल हंसना ही भूल चुके थे। दोनों जी तो रहे थे, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह खाना तो खा रहे थे सिर्फ जीदा रहने के लिए। केविन ने अविरन के चेहरे पर बेचैनी के एक्सप्रेशन भी देख लिए थे। उसने एयर होस्टेज को बुला के अविरन के लिए ब्लैक कॉफी मंगवाई और वरुण राहुल के लिए खाना। एयर होस्ट 2 मिनट में कॉफी लाके उसे दे दी। केविन अविरन को कॉफी कप देके उसके बेचैन होने की वजह पूछता है, क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, कुछ बात है क्या।
उसकी बात सुन अविरन उसके हाथ से कॉफी लेके परेशानी भरी आवाज में बोला, पता नहीं केविन, लेकिन कुछ बेचैनी सी हो रही है, जैसे कुछ होने वाला है। उस पर केविन हल्का मुस्कुरा के बोला, अरे सर, होने वाला तो बहुत कुछ है, क्योंकि हॉलीवुड का बादशाह जो लोग आया है, अब होगा वही जो शेर चाहेगा। वैसे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि अब उनका क्या होगा, जिनके कारण वो धमाका हुआ था, जिनके कारण उनको और मैडम को अलग होना पड़ा। अविरन केविन की बात सुन हल्का मुस्कुरा के बोला, ये तो तुमने सही कहा, अब हमें भी पता चलेगा आखिर उस धमाके से पीछे कौन है जिसके बारे में हम देर साल से पता नहीं लगा पाए। बीच में वरुण ने कहा, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उसे वो खुद ढूंढ निकालेगा और उसे ऐसी सजा देगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। समय मल्होत्रा कौन है, अब दुनिया को पता चलेगा, उसको हम ब्लैक ड्रैगन क्यों कहते हैं। वरुण के ब्लैक ड्रैगन बोलने पर केविन ने मुस्कुरा कहा, वैसे वरुण ब्लैक ड्रैगन का सिर्फ जीकर सुना था, कभी सोचा नहीं था। वो समय सर हो गए, सोचोगे भी कैसे, आज तक दुनिया के सामने वो कभी आया ही नहीं, सिर्फ उसकी ड्रैगन टीम ही लोगों के सामने आई है। उसने खुद की कितनी ही पहचान बनाई होगी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान ड्रैगन है, जिसके दम पर आज उसने इतना कुछ हासिल किया है, वरुण ने कहा। इस पर राहुल भी समय के बारे में पुरानी बातें याद करने लगा, जब वो लोग छोटे थे और समय ने उनको अपने ड्रीम के बारे में बताया था। उसने 12 साल की उम्र में दुनिया पर राज करने के सपने देखे थे। अविरन को वरुण की बात उन अब थोड़ी राहत मिली, उसे भी अपनी बेचैनी की वजह समय का ऐसे लौट आना ही लग रहा था, इसलिए उसने अपने ख्यालों को झटक के कॉफी पीने लगा और वरुण राहुल से समय की बातें सुनने लगा। राहुल ने पुरानी बात याद करते हुए कहा, तुम्हें याद है वरुण, जब हमारी स्कूल में पहली लड़ाई हुई थी, तब समय ने उनको कैसे मारा था। वरुण उस दिन को याद कर बोला, उस दिन को भी मैं कभी भूल सकता हूँ, उस दिन लड़ाई तो हमारी हुई थी, लेकिन उसमें समय की एंट्री ने सबके होश उड़ा दिए थे। केविन ने पूछा, ऐसा तो क्या हुआ था। राहुल ने हंसते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, हमने गलती से हमारे सीनियर की गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया था। वो तुम दोनों ने लड़की को छेड़ा था, अविरन ने हैरान होते हुए पूछा तो वरुण हंसते हुए बोला, अरे यार, उस वक्त हम सिर्फ 14 साल के थे, हमें थोड़ी पता था वो लड़की हमारे सीनियर की गर्लफ्रेंड है, हमने तो सिर्फ उसे नंबर मांगा था और उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। फिर क्या हुआ, केविन ने क्यूरियस होके पूछा। फिर होना क्या था, उसके बॉयफ्रेंड और चार दोस्त ने मिल के मुझे और वरुण को बहुत मारा, राहुल ने कहा और उस दिन को याद करने लगा। तभी अविरन ने पूछा, वैसे तुम दोनों में से नंबर कौन मांग रहा था। इस पर वरुण अपना हाथ उठा के बोला, मैं मांग रहा था, वैसे नंबर ही नहीं, किस भी चाहिए थी। उसकी बात पर अविरन ने अपनी आंखें घुमा के कहा, तब तो तुम्हें और पिटना चाहिए था, जिस एज में पढ़ाई करनी चाहिए उसमें तुम दोनों को आशिकी सूझ रही थी। केविन ने कंफ्यूज होके पूछा, वैसे इन सब में समय सर कहाँ से आए। वरुण राहुल उसके सवाल को सुन एक दूसरे को देख हंसने लगे। फिर वरुण ने हंसते हुए जवाब दिया, उसके दोस्त को कोया मारे और वो चुपचाप बैठ के देखे, वैसा नहीं है, हमारा यार आग का सूरज है, वो चलती फिरती मिसाइल है, वो बारूद का ढेर है वो। केविन ने कंफ्यूज होके पूछा, वैसे इन सब में समय सर कहाँ से आए। वरुण राहुल उसके सवाल को सुन एक दूसरे को देख हंसने लगे। फिर वरुण ने हंसते हुए जवाब दिया, उसके दोस्त को कोया मारे और वो चुपचाप बैठ के देखे, वैसा नहीं है, हमारा यार आग का सूरज है, वो चलती फिरती मिसाइल है, वो बारूद का ढेर है वो। जैसे ही उसे पता चला कि हमें कुछ लड़के मार रहे हैं, तो वो तुरंत वहां आ गया और बिना बात जाने की गलती किसकी है, उसने उन चारों लड़कों और उस लड़की के बॉयफ्रेंड को इतना मारा कि पांचों दो महीने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। उसके बाद राहुल ने कहा, उसकी मार देख हम भी डर से कांपने लगे थे, उसका हर एक पंच कितना पावरफुल था कि सामने वाले के दांत तक टूट गए थे। ये सुनकर केविन मुस्कुरा के बोला, आप दोनों बहुत लकी हो जो आपको उनके जैसा दोस्त मिला है। लकी तो हम है, वरुण राहुल एक साथ बोले। फिर कुछ याद कर बोले, लेकिन उसके गुस्से से आज भी डरते हैं, उसने उस
दिन उन पांचों को मारा तो था ही, साथ ही हमें भी नहीं छोड़ा था। उसे जब पता चला कि गलती हमारी थी तो उसने हमें 2 महीनों तक एक कमरे में बंद रखा था, ना ही उसने हमसे बात की ना ही कमरे से निकाला। तभी हमने कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए कभी लड़की को नहीं छेड़ेगी, राहुल वरुण ने कहा और दोनों ने अपने कान पके। केविन अविरन दोनों की बात सुन हैरान होके उनको देखने लगे। केविन ने बोला, मतलब आप दोनों की आज तक कोई अभी गर्ल फ्रेंड नहीं बनी? इस पर दोनों ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, गर्लफ्रेंड से ज्यादा जरूरी दोस्त है, और वैसे भी हमने उस वक्त कसम खाई थी हम शादी करेंगे तो उसकी पसंद की लड़की से, वरना पूरी लाइफ सिंगल रहेंगे। तब तो आप सिंगल ही रहोगे, हमें नहीं लगता बॉस कभी आपके लिए लड़की ढूंढेंगे, केविन ने उन पर तरस खाके कहा और सर को दाएं बाएं हिलाया। दूसरी ओर बेंगलों में तापसी को बाहर ले जाके भी उसकी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। तापसी जैसे खामोश होके गई थी वैसे ही खामोशी से वापिस आई। इस पूरे वक्त व्योम व्योम उसके चेहरे को देखते रहे ताकि उस पर कोई रिएक्शन देख सके, जान सके कि उसकी हालत में कोई सुधार हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो कैसा। तापसी की खामोशी ने उनकी उम्मीद तोड़ दी, लेकिन जहां उम्मीद टूटी थी वही तामसी की क्यूटनेस ने उनके चेहरे पर स्माइल बनाई रखी थी। दूसरी ओर रात की लंबी फ्लाइट के बाद चारों अमेरिका पहुंच गए। वरुण राहुल अमेरिका सूट में आए थे, इसलिए आते जाते लोग उनको देख हंस रहे थे। इस पर राहुल को तो बहुत क्षमा आ रही थी, लेकिन वरुण को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बेशर्मों की तरह चल रहा था, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल था। ऊपर से उसने राहुल के कंधे पर हाथ भी रखा हुआ था। कुछ देर में वहां पर उनके लिए गाड़ियां भी आ गई, सब गाड़ियों में बैठ वहां से निकल गए और थोड़ी ही देर में चारों समय के सामने थे। समय को अपने सामने सही सलामत देख वरुण राहुल भागकर उसके गले से लग गए। समय दोनों के गले लगने पर भी ऐसे ही खड़ा रहा, उसने ना ही उनको हकबेक किया ना ही अपने हाथ हिलाए, अपने दोनों हाथ जेब में रख ऐसे ही खड़ा रहा। वरुण उसके गले से लग बोला, तूने हमारी जान निकाल दी थी यार, तेरी मौत की खबर सुन में जीते जी मर चुका था। तुझे पता नहीं है मैंने ये 1.5 साल कैसे निकाले हैं, तेरे बिना मैं अमेरिका भी नहीं लौटा, ये सोच कि यहाँ हर जगह तेरी याद बसी है, मैंने तुझे बहुत मिस किया है। समय बहुत 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 अकेले तूने नहीं किया, मैंने भी किया है, मैं भी इसे प्यार करता हूँ, ये मेरा भी दोस्त है। उसकी बात सुन राहुल ने भी रोते हुए कहा और समय पर एक ओर से अपनी पकड़ कस ली। समय ने दोनों को खुद से अलग कर जाके सोफे पर बैठ गया। समय का चेहरा इस वक्त बेहद शद था और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, ओरा भी डार्क था। राहुल वरुण उसके चेहरे को देख एक पल के लिए चुप हो गए। उसका शद चेहरा देख दोनों खामोश होके समय को देखते रहे। हॉल में अंजलि जी भी मौजूद थे। वरुण की नजरें जैसे ही अंजलि पर गई उसकी आंखें लाल हो गई। उसकी आंखों के सामने वो सब पल आ गए जब वो पहली बार अंजलि से मिला था। वही राहुल भी अंजलि को यहाँ देख हैरान था, साथ जीगा को देख उसकी हैरानी और बढ़ गई। वरुण अंजलि के पास जाके गुस्से में बोला, ओह है तो तुम यहाँ हो, तुमने मेरे दोस्त को हमसे छुपा के रखा है, क्या चाहती हो तुम, क्यों किया ऐसा, कहीं इस धमाके के पीछे तुम तो नहीं थी, कहीं तूने तो मेरे समय को उसकी बटरफ्लाई से दूर तो नहीं किया। तापसी का जीकर सुन राहुल यहाँ वहाँ देखते हुए समय से पूछता है, मेरी बहन कहाँ है, वो जिंदा तो है ना, कहीं उसे वो जिंदा है। समय ने उसकी बात पूरी होने से पहले एक्सप्रेशन होके कहा। ये सुनकर राहुल ने पूछा, कहा है वो, मुझे उसे मिलना है, एक बार अपनी बहन को देखना चाहता हूँ। उस पर वरुण ने भी कहा, हाँ समय क्यूटी कहा है, मुझे भी उसे देखना है। समय दोनों की बात सुन अविरन को देखते हुए बोला, वो अभी जिसके पास है मुझे बस वहां जाना है और उसे लेके आना है। अविरन उसकी नजर खुद पर देख अजीब सी बेचैनी होने लगी। जो डर उसे प्लेन में हो रहा था वो अब समय को देख और भी होने लगी। केविन भी समय की नजरें अविरन पर देख कंफ्यूज था। समय जिस तरह अविरन को शद नजरों से देख रहा था उसे देख केविन को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो
अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कॉमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।